आदर्श चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के 13 साल पुराने मामले में भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा बरी हो गए हैं। MP MLA कोर्ट में उन्होंने अपनी हाजिरी दी, उसके बाद कोर्ट में केस रिकॉर्डर बिंदु पर रहने के कारण सुनवाई की और विधायक को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया। अजीत शर्मा पर 2009 में भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ने के दौरान भागलपुर के पीरपैती के टापरा में सरकारी पोल में उनकी तस्वीर लगा बैनर मिला था। अंचलाधिकारी ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान यह बैनर देखा था और उसे जब्त कर लिया गया था। पुलिस ने तफ्तीश में आरोप को सत्य पाया था और उसके आधार पर 17 मई 2009 को आरोप पत्र दाखिल किया गया था। आज उनके साथ संजय राम भी शामिल थे। चार संगीता का मामला था 2009 का, जो पीरपैती में उसी का मामला था, जो आज उसमें रिहा कर दिया गया बिना सबूत के, कोई गवाह नहीं मिला। एक्चुअली हम लोगों ने किया नहीं था इसमें। क्या होता है कि चार संगीता में कोई अगर जिस पार्टी को सपोर्ट नहीं होता उसको केस कर दिया जाता है, इसलिए इसमें कोई साक्ष्य के अभाव में सीधे जज साहब ने कहा कि आपको रिहा किया जाता है। मैं था और हमारे उस समय एक संजय राम जी थे वर्कर, उनका भी नाम दिया था, वो भी रिहा किए गए। इसलिए इस आचार संहिता केस है, इसमें आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। भाई देखिए, ऐसा है कि नियम है, अब वो छोटे मोटे पदाधिकारी क्या गलत करते हैं वो तो खैर कोर्ट में मामला आ जाता है। निश्चित तौर पर छोटा मोटा मामला पर नहीं परेशान करना चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो जनता का सेवक होता है, उसे उसमें काम करने देना चाहिए। अब हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती देश और दुनिया की हर खबर, पाइए सीधा अपने मोबाइल पर। ऐसी ही खबरों के लिए करें Say24 लाइव को सब्सक्राइब, साथ ही साथ दिए गए बेल आइकन को भी दबाएं। थैंक यू।